हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से हम लोग भी ठीक हैं। तो आज की ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम बालों के बारे में वीडियो बनाए या फिर बालों को कैसे काला किया जाए या फिर झड़ने से कैसे रोका जाए, इस बारे में आप वीडियो बनाओ। तो आप लोग के लिए मैं एक होम रेडीमेड लाई हूँ घरेलू के, जिससे नेचुरल तरीके से आप बालों को काला कर सकते हो या फिर बालों की कोई भी समस्या हो आप उसे जड़ से खत्म कर सकते हो। तो आप ब्लॉग पे बने रहो और मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। और चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इससे मैं बता देती हूँ क्या क्या हो सकता है आपके फ़ायदे। तो एक मतलब कि आप अगर ये नुस्खे अपनाते हो तो इससे तो आपको जो इससे पहले तो समय से पहले काफ़ी लोगों के मतलब कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम किसी कोई घरेलू उपाय बताओ या नेचुरल तरीके बताओ जिससे हम बाल काले कर सकें। तो मैं उस वही आपके लिए घरेलू नुस्खे एक लाई हूँ जो बहुत ही काम करती है, ट्रस्ट मी, और 100% वर्किंग करती है। तो सबसे पहले तो एक कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल तो सबके घर पर रहती है, अगर नहीं है तो आप जनरल स्टोर पर जाओगे या कहीं भी आप जाओगे तो आपको कोकोनट ऑयल मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही कोकोनट ऑयल। तो ये आप पंतजलि के भी ले सकते हो या फिर मतलब कि नॉर्मल भी ले सकते हो। ये मेरी पंतजलि की नहीं है तो ये आप देख सकते हो, ये मेरी नॉर्मल है। तो आप कोकोनट ऑयल एक ले लो। और जो पूजा में हमें जैसे पूजा हम करते हैं तो हम ये रही कपूर। तो ये कपूर तो पूजा में भी हमें इस्तेमाल होती है या फिर आप ऐसे भी बहुत सारे मतलब कि नुस्खे होते हैं जिससे जिसके लिए हम कपूर इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए या फिर फेस के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ इसके फ़ायदे। तो आप ये कपूर ले लो। कपूर आपको जनरल स्टोर में कहीं भी मिल जाएगी या फिर आप पूजा के दुकान पे जाओगे तो वहाँ भी आपको कपूर मिल जाएगी। या फिर आपको अगर जनरल स्टोर वगैरह ये सब में नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑनलाइन भी आप इसे मंगवा सकते हो। तो ये कपूर सही, तो कपूर ये छोटे छोटे हमारे कपूर आते हैं, ये आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे कपूर आते हैं। तो इसका क्या करना है मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी सारा कुछ। तो आगे आपको क्या करना है इसका, तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज कर देना। तो सबसे पहले तो आपको एक कोकोनट ऑयल लेना है। तो कोकोनट ऑयल ले लिए और एक कटोरी लेनी है आपको, जैसे कि ये कटोरी है तो ये कटोरी लेना है और इस पर आप कोकोनट ऑयल डालोगे। अगर आपको मतलब कि ये ऑयल अगर ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा मात्रा में अगर आप मतलब यूज़ करना चाहते हो ज़्यादा, तो आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हो। आगे मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी कि मतलब कि कैसे स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो आपको कोकोनट ऑयल लेनी है। तो कोकोनट ऑयल लेनी है तो आपको 100 ग्राम या फिर 200 ग्राम, अगर आपको ज़्यादा स्टोर करके रखनी है तो आप ज़्यादा स्टोर करने के लिए ज़्यादा मात्रा में आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। तो आपको कोकोनट ऑयल ले लेनी है। और सबसे पहले तो आपको एक कढ़ाई लेनी है जिस पर आप मतलब कि सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाती हो, साफ़ सुथरी मतलब कि बर्तन लेनी है क्योंकि आपसे उससे एलर्जी भी हो सकती है। तो साफ़ सुथरा बर्तन एक लेना है, तो उस पर कोकोनट ऑयल डालो। आपको जितना ऑयल चाहिए तो कोकोनट ऑयल डालनी है पहले, फिर उसे एक गैस में गर्म करनी है। पर गैस में गर्म करने से पहले आपको मैं बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, वो आप ध्यान से सुनना क्योंकि इससे आपके हादसे भी हो सकते हैं। तो आप लोग आराम से और ध्यान से सुनो। तो कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल को आप गैस पे उस बर्तन को चढ़ाओ पहले और उसके बाद कोकोनट ऑयल डालो। जितनी भी मात्रा में आपको ऑयल चाहिए तो कोकोनट ऑयल आप उसमें डालना है और उसे गर्म करनी है। गर्म जब आप देख लेते हो कि गर्म हो रही है तेल, तो उस पर आपको पहले गैस को सबसे पहले तो ध्यान रखना कि गैस को बंद करना है, क्योंकि अगर आप जल्दी गैस में कपूर डालोगे, क्योंकि जल्दी गैस में अगर आप कपूर डालोगे तो आग लगने की डर रहती है और आग लग भी जाती है। अगर आप लोग पूजा करते हो तो दिया जलाते हो तो कपूर डालते हो तो देखते हो ना कि आग कितनी मतलब कि ज़्यादा पकड़ लेती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे पहले तो ऑयल को गर्म करनी है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर लेनी है। और गैस को बंद करने के बाद ये जो कपूर है, ये जो आप देख रहे हो कपूर है ना, ये जो कपूर है आप देख सकते हो, ये कपूर है छोटी छोटी। तो कपूर जो है तो इसे आपको ये
तोड़ना है, तोड़ के पाउडर बनानी है। आप किसी से भी मतलब कि जैसे कि अदरक वगैरह हम जिससे मतलब कि चाय वगैरह में डालते हैं उसे कूट के, तो आप उससे ये कूट सकते हो। तो इसे पाउडर बना लेनी है, और पाउडर बना के आप जो ऑयल गर्म किए हो कोकोनट ऑयल उसे पहले गैस से उतारना है, उसके बाद ये जो आप कपूर के पाउडर बनाए हो वो उस पर डालना है। उसके बाद उसको पूरा मतलब कि मेल्ट करनी है, जब तक मेल्ट ना हो जाए उसे घुमाते रहनी है। अगर आपकी मेल्ट हो जाती है पूरे तो आप आराम से उसे स्टोर कर सकते हो और बालों में लगा सकते हो। और दूसरी स्टेप है कि आप अगर मतलब कि गैस पे अगर नहीं करना चाहते हो तो आप एक और उपाय आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कोकोनट ऑयल लेनी है। अगर आपके घर में धूप आ रही है तो आंगन वगैरह में बहुत से लोगों के होती है, जो आंगन में रहती है खुली रहती है, छत वगैरह रहता है तो उस पर धूप बहुत अच्छी आती है। तो आप एक काम कर सकते हो, धूप पे कोकोनट ऑयल तो रख लेनी है, और जब आप देखोगे कि गर्म हो गई है कोकोनट ऑयल धूप से तो उस पर कपूर आप जो पाउडर बनाए हो उसका वो डाल दो। उसके बाद आप देखोगे कि मतलब कि धूप से वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी, और उस पर 3-4 दिन धूप लगाने हैं। फिर 3-4 दिन के बाद वो आपको मतलब कि स्टोर करके रख लेनी है। तो ये तो हो गई ऑयल बनने की प्रोसेस। उसके बाद आपको लगाना कैसे है मैं बताती हूँ। उसके बाद आप जो स्टोर की हो ऑयल, उसके बाद आपको बालों में इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पूरे बालों में आपको लगानी है, और 3 से 4 घंटे रखने हैं आपको बालों में। या फिर आप नाइट में सोते हो तो बालों में लगा के आप सो सकते हो, और मॉर्निंग में शैम्पू कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें तेल लगाना पसंद नहीं होता है बालों में, या ऑयल लगाना पसंद नहीं होता है, तो उसके लिए भी एक उपाय है। आप अगर ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हो तो आप नहाने से पहले 3-4 घंटे पहले आप ऑयल लगा लो अपने बालों में, और ऑयल लगाने के बाद 3-4 घंटे उसे रहने दो। उसके बाद आप शैम्पू वगैरह कर लो। इससे आपको मतलब कि ट्रस्ट में गाइस मतलब कि इतनी अच्छी रिजल्ट आती है, मैं खुद इस्तेमाल करके देखी हूँ, बहुत ही अच्छी रिजल्ट आती है। और जिसके बाल अगर समय से पहले काले उनके समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं तो उनके बाल नेचुरल तरीके से काले हो जाते हैं, और 100% वर्किंग करती है। और इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो इससे नेचुरल तरीके से बाल काले होते हैं। से कहना है कि इससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, जिसके अगर बालों में डैंड्रफ वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपके बालों में खुजली हो रही है तो वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपके बालों में अगर साइन नहीं है तो साइन आती है, और बाल अगर झड़ते हैं तो वो भी आपको बाल झड़ने से रोकती है, और बाल को नेचुरल तरीके से मतलब कि घने और काले और साइनिंग बनाती है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो और बालों को नेचुरल तरीके से काले भी करती है। तो आपके अगर घर में हस्बैंड है तो आप उसको भी लगा सकते हो, और इस नुस्खे को आप घर में अगर हस्बैंड है तो उसे लगा सकते हो, अगर बच्चे वगैरह हैं तो उन्हें भी आप लगा सकते हो, अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें भी लगा सकते हो। मतलब कि हर एज के लड़के हो या लड़की, मतलब कि जेंट्स हो या ये लेडीज़, हर कोई मतलब कि इस नुस्खे को अपना सकता है, और 100% इसकी वर्किंग होती है, और 100% रिजल्ट आता है। मैं आपको मतलब कि 70 के साथ बोल सकती हूँ, आप लोग ज़रूर इस नुस्खे को अपनाएं, और एक बार तो ज़रूर आप ट्राई करें और इसके रिजल्ट देखें। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कम से कम मंथ में 2 बार इस नुस्खे को अपनाएं और इस्तेमाल करें, फिर इसका रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी मतलब कि नुस्खे हैं ये, और आप आराम से और सस्ते में आराम से इसे नुस्खे को अपना सकते हो, और अपने बालों को सुंदर और घने बना सकते हो। तो ये छोटी सी है मतलब कि मेरी कोशिश थी आप लोग को बताने की, एक छोटा सा नुस्खा है घरेलू जो आप लोग को मतलब कि काफ़ी पसंद आएगा। तो ऐसे ही वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो और घरेलू नुस्खे पाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हो। अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हो, तो मैं आपको अगर मुझे पता होगा या फिर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ तो मैं और भी आगे वीडियो लाऊँगी। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और चैनल को नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।